गाजियाबाद की कानून व्यवस्था इस कदर चरमरा चुकी है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 8 दिनों में अब तक 4 हत्याएं हो चुकी हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सिर्फ एक दावा जरूर करती है कि कातिलों को जल्द बेनकाब किया जाएगा, लेकिन कब ये तय नहीं। देखिए खास रिपोर्ट। सत्रह अप्रैल 2019 के दिन वक्त तकरीबन शाम के 5 बजे गाजियाबाद के थाना मोदी नगर इलाके में गोलियों की गूंज से इलाका थर्रा उठा। सुनने वालों में सिर्फ और सिर्फ एक शख्स था जिसके कान को चीरती गोली की आवाज पहुंची थी। आवाज सुनते ही पड़ोसी विकास ने खेत से निकलकर उस तरफ का रुख किया जहां गोलियां बरसाई गई थी, और जैसे ही विकास ने तत्परता दिखाई उसी पल उसने अपनी आंखों के सामने से हथियारबंद 7 लोगों को भागते हुए देखा, जिन्होंने 26 साल के बॉडी बिल्डर दीपेंद्र को एक के बाद एक 21 गोलियां ताकी थी। लेकिन सामने खड़े विकास के लिए ये तय कर पाना मुश्किल था कि दीपेंद्र की सांस बाकी है या नहीं, लिहाजा विकास ने फौरन दीपेंद्र को हॉस्पिटल पहुंचाया, सिर्फ इसी उम्मीद के सहारे कि शायद जिंदगी और मौत से संघर्ष करते दीपेंद्र की जान बचा ली जाए। लेकिन विकास की एक अदद कोशिश जाया साबित हुई जब डॉक्टरों ने दीपेंद्र की नब्ज टटोली। क्या नाम भैया आपका? विकास। ठीक, क्या बात हुई आपके घर पे जो घटना हुई, क्या मामला पूरा? भैया मैं पीछे यहाँ खेतों पे काम कर रहा था, काम खत्म हो गया तो घर के लिए जा रहा था, पास में बम्बई के पीछे खेत है, तो एकदम से फायरिंग की आवाज हुई तो मैं भी जल्दी से एकदम से इधर आया पर क्या फायरिंग हो रही है, तो फायरिंग होते हुए मैंने देखा कि इनके खंजरपुर वालों के लड़के हैं, जितेंद्र अंकल जी के, अक्षय है, सनी है, जोड़ी वालों के लड़के हैं, कितने लोग थे? करीबन 7 जने थे जो मैंने एकदम से हथियार लेकर जाते हुए देखे हैं। नेशनल लेवल पर कई बार बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले चुके दीपेंद्र की किससे अदावत थी, इसके पीछे की कहानी से हर कोई अनजान है, लेकिन जिन लोगों ने दीपेंद्र के जिस्म में एक के बाद एक 21 गोलियां दागी उनकी पहचान साफ हो चुकी है। जैसा कि विकास का मानना है, खंजरपुर से वास्ता रखने वालों में अक्षय, सनी, अंकित, हरिया, मोती समेत भानु को विकास ने भागते हुए देखा था, जिनकी बंदूक से निकली गोली से दीपेंद्र की जान गई। लेकिन सवाल यही है कि मौत बनकर आए 7 दुश्मनों ने किस बात की रंजिश बुनाई अभी साफ नहीं हो सका है। जो है जोड़ी वालों के लड़के हैं, अंकित है, हरिया है, और जी एक लड़का और है, क्या नाम उसका, तो कितने राउंड मोती, कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? करीबन 15-16 राउंड फायरिंग हुई होंगी। एक भानु नाम का लड़का है जो तिबड़ा रोड पे रहता है, वो भी था, दिन दहाड़े मार गए। हाँ, करीबन ये शाम की 5 बजे घटना है, पीछे उधर में ईंट का खेत है, वो बो रहे थे, जैसे ही वो काम खत्म हुआ तब देखा मैं एकदम आवाज सुन के इधर आया, फिर मैं ही उसको एकदम से लेके गया हॉस्पिटल। जैसे आया एकदम से देखा कि वो तो जो है उसको फायरिंग लगी है, गोली वोली लगी हुई थी, मैं उसको लेकर तुरंत ही गया। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गाजियाबाद में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और अभी 11 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव भी कराया गया, तो सवाल ये कि सभी लाइसेंस धारकों के हथियार जमा करवा लिए गए होंगे, लेकिन ये हथियार और गोलियां कहां से आ रही हैं? ये अपने आप में भी एक बड़ा सवाल है। जी हां, इस सवाल को हम इसलिए उठा रहे हैं कि बीते दिनों मसूरी थाना क्षेत्र के काजीपुरा गांव में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर एक हत्या की जाती है, उसके बाद आज मोदी नगर के तिवड़ा रोड पर भी बॉडी बिल्डर की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या की जाती है।